नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। पर्यावरण की एक और मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासतौर से जो लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का आजीवी घटक, पृथ्वी और वायुमंडल क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण व संतुलित तंत्र, बताइए। दोस्तों जीव समुदाय और उसके वातावरण का जो संतुलित तंत्र है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें जीव तथा उसके वातावरण के साथ आपसी जो संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर 4। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, दो सूची आपकी स्क्रीन पर दी हुई है, इनमें से इनको सही सुमेलित करना है। नोक्रेक केरल, मानस असोम, दिहांग दिबांग मेघालय, अगस्तमलाई अरुणाचल। दोस्तों सही सुमेलन की अगर बात करें तो जो नोक्रेक है वो मेघालय में है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, 3। और मानस जो है वो असम में है, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर, 2। और दिहांग दिबांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, 4। और अगस्तमलाई कहाँ पर है, केरल में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। नोक्रेक कहाँ पर है, मेघालय में। मानस कहाँ पर है, असम में। दिहांग दिबांग कहाँ पर है, अरुणाचल में। अगस्तमलाई कहाँ पे है, केरल में। ठीक है, तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा, 3-2-4-1 चौथे नंबर का विकल्प यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया या नेपाल, मेगा डाइवर्स। दोस्तों मेगा डाइवर्स जो देश जाना जाता है वो जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पर पाई जाने वाली लगभग सभी प्रजातियाँ उपलब्ध हैं और सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया मेगा डाइवर्स। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, बायोमास का पिरामिड। दोस्तों जो श्रृंखला होती है यानी कि जो फूड चेन होती है उसको क्या कहा जाता है। दोस्तों जो खाद्य श्रृंखला होती है इसके परस्पर समूह को खाद्य जाल बोलते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं आहार जाल भी, कहीं कहीं भी लिखा आप लोगों को मिल जाएगा। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की खाद्य श्रृंखलाएँ परस्पर मिलकर, जो फूड चेन होती है वो परस्पर मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता है, सर्वोच्च, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। बहुत बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। दोस्तों मनुष्य शाकाहारी व मांसाहारी दोनों के अंतर्गत आता है, इसलिए इन्हें सर्वोच्च उपभोक्ता कहा जाता है। मानव का जो पोषण स्तर है उसका स्तर है 4, याद रखिएगा। तो इसका विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर 1। और इसे जो मनुष्य को सर्वाहारी भी कहते हैं, यह भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था, 1973, 1972, 1980 या 1974। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया था, और यह पहली बार कब मनाया गया, 1973 में मनाया गया था। तो इसका विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे, तो इस वजह से आप पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न यहाँ मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पर्यावरण का दोस्तों सेक्शन ऐसा रहता है जहाँ से आपका जो स्कोर है वो बूस्टअप होता है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि पर्यावरण में 30 में से 30 अंक आप जुटा सकें। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का मेहतर कहा जाता है, विषाणु, जीवाणु एवं कवक, मांसाहारी या तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। दोस्तों प्रकृति के मेहतर की अगर बात करें तो जो जीवाणु और कवक होते हैं इन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है, क्योंकि ये अपघटक का कार्य करते हैं, ये जीवों एवं पेड़ पौधों के मृत शरीरों एवं भागों से भोजन प्राप्त करते हैं तथा उनके द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों को सलागड़ा देते हैं और उन्हें जटिल कार्बनिक यौगिक में
जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं उन्हें सरल कार्बनिक यौगिक में बदल देते हैं, तो उसका विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर दो, जीवाणु और कवक। दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वन्य जीव संरक्षण से कौन सा गैर सरकारी संगठन या एनजीओ आप कह सकते हैं संबंधित है? वर्ल्ड WWF फॉर नेचर इंडिया, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीव क्रिया योजना या उपरोक्त सभी। वन्य जीव संरक्षण से, तो दोस्तों अगर वन्य जीव संरक्षण की बात करें तो WWF फॉर नेचर इंडिया भारत का एक गैर सरकारी संगठन है जो पर्यावरण के क्षेत्र में एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, और पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? बम्बई में था। तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर वन, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए तीन प्रकार के आर हैं, कौन से हैं? कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण, पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। कम उपयोग, पुनः चक्रण, कम उपयोग, पुनः चक्रण या पुनः संरचना, बताइए तीन आर कौन से हैं? दोस्तों जो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए तीन प्रकार के आर हैं उनमें तीन आर कौन से हैं? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ठीक है, अतः इसका अर्थ क्या होगा? रिड्यूस मतलब कम उपयोग, रीयूज पुनः उपयोग तथा पुनः चक्रण। कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर तीन। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस गैस का उत्सर्जन यातायात परिवहन में सर्वाधिक होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, मेथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड, बताइए। गैस उत्सर्जन यातायात परिवहन में सर्वाधिक होता है, तो दोस्तों यातायात परिवहन में सर्वाधिक उत्सर्जित होने वाली जो गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कि CO, याद रखिएगा। और यह मानव जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक होती है क्योंकि यह रक्त के साथ संयोग करके रक्त संचार को बाधित कर देती है जिससे जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इसका विकल्प सही होता है विकल्प नंबर फोर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? रोंटजन, किलोबाइट, हर्ट्ज या इनमें से कोई नहीं। रेडियोधर्मी प्रदूषण, दोस्तों प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण को मापने की इकाई बोलते हैं रोंटजन। ठीक है, यह प्रदूषण नाभिकीय विस्फोटों, आणविक ऊर्जा संयंत्रों, रेडियोधर्मी पदार्थों आदि के कारण उत्पन्न होता है। यह सभी प्रकार के प्रदूषणों में सर्वाधिक खतरनाक प्रदूषण माना जाता है रेडियोधर्मी प्रदूषण, तो इसका विकल्प सही होता है विकल्प नंबर वन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है क्या कहा जाता है? ध्रुवीय समताप मंडली बादल, ध्रुवीय बवंडर, एक व दो दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है, अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, बताइए। दोस्तों हवा का वह तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है उसे बोलते हैं ध्रुवीय बवंडर, तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर टू। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, लंदन धूम्र पाया जाता है ग्रीष्मकाल के दिनों में, ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय या शीतकाल में सुबह के समय। दोस्तों लंदन धूम्र की अगर बात करें तो धुएं और कोहरे से बना हुआ एक फॉग टाइप का होता है जिसे लंदन धूम्र कहते हैं, और यह धूम्र एक प्रकार का कोहरा होता है जो शीतकाल में सुबह के समय उत्पन्न होता है, शीतकाल में सुबह के समय, तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर फोर, क्योंकि इस धूम्र में विजिबिलिटी बिल्कुल बहुत ही कम होती है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है समुद्र में बिखरे तेल का, वायु में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। तो दोस्तों मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग है और यह औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने के कारण उत्पन्न होता है, और यह कब हुआ था? ये 1950 और 60 के दशक में जापान में रोग फैला था। ठीक है, इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर तीन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जल चक्र के अनवरत चलने का क्या कारण है? सूर्य की ऊष्मा का जल को उष्मित करना, सूर्य की ऊष्मा का जल को वाष्पित करना, जल वाष्प का वर्षा के रूप में धरती पर आना या उपरोक्त सभी। दोस्तों जल चक्र के अनवरत चलने के कारणों में
सभी कथन सही हैं, क्योंकि जल चक्र में सूर्य द्वारा सर्वप्रथम जल को गर्म किया जाता है तथा जल का वाष्पन होता है और बाद में वाष्पित जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है, और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। उष्मित होना, वाष्पित होना और वर्षा के रूप में धरती पर आना, तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, सब्जी के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला आलू है, जड़ है, फूल है, फल है, तना है। आप सभी जानते हैं सब्जी के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो आलू है सर्वाधिक रूप से प्रयोग किया जाता है और यह एक तना है, तो इसका विकल्प सही होता है विकल्प नंबर 4। CNG का पूरा नाम है, तो आप सभी जानते हैं CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसका विकल्प सही होगा 2। आगे बढ़ेंगे, कीट बच्ची पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर या पोटेशियम। दोस्तों कीट बच्ची जो पादप है नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में उगते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीड़ों को खाते हैं, जैसे यूट्री कुलेरिया इसका प्रमुख उदाहरण हो जाएगा। तो दोस्तों नाइट्रोजन की कमी से, तो इसका विकल्प सही होगा 1। आगे बढ़ेंगे, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है, परजीवी, साभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी। दोस्तों जब एक जीव दूसरे जीव को बिना हानि पहुंचाए लाभ प्राप्त करता है तो उसे साभोजी कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है, इसमें आवेशित कण है या सूर्य के निकटतम है या पृथ्वी के पृष्ठ से तृप्त होता है, इसमें उष्मा पैदा होती है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त होता है तथा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित है, ठीक है। क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर 3, यह पृथ्वी के पृष्ठ भाग से तप्त होता है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किसके साफ मौसम बनने में मदद मिलती है, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, एक व दो, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, किसके साफ मौसम बनने में मदद मिलती है बताइए। दोस्तों प्रतिचक्रवात से साफ मौसम बनने में मदद मिलती है क्योंकि प्रतिचक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब तथा बाहर निम्न वायुदाब पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण मौसम सुहावना होता है, तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 2, प्रतिचक्रवात। सिल्वी कल्चर संबंधित है, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से या उर्वरक से बताइए। दोस्तों सिल्वी कल्चर वन्य उत्पाद से संबंधित है, इसके तहत व्यापारिक स्तर पर वन एवं वन उत्पादों से संबंधित कृषि की जाती है। व्यापारिक स्तर पर सिल्क या रेशम के उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है, फूल के उत्पादन को फ्लोरीकल्चर कहते हैं, जिसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 1, सिल्वी कल्चर वन व वन्य उत्पाद। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। आपको सभी को पता होगा, ये रिपीट भी हो चुका है, तो दोस्तों ये है उत्तरी पूर्व जोन में गोरखपुर, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई हो जाती है 1.33 किलोमीटर, और यह उत्तरी पूर्वी जोन का जो है मुख्यालय भी है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 24, 18, 22 या 21 बताइए। दोस्तों भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, याद रखिएगा 22। प्रारंभ में इसमें कितनी थी, 14 थी, और भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है और लिपि कौन सी है, देवनागरी, याद रखिएगा। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर 3। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक, नीम, पीपल या बरगद। तो आप सभी जानते हैं राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है, और अगर राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंघा है, राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस, जिसे क्रोच भी बोलते हैं, तथा राजकीय पुष्प कौन सा है, पलास या टेसु, याद रखिएगा। तो इसका विकल्प सही होगा 1। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, या विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, या विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु एवं पद्धति एवं प्रयोग।
तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की अंता विषय ही प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के द्वारा संबोधित करती है। दोस्तों पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत शिक्षा के अंतर्गत ये तीनों चीज़ें आती हैं, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में किनका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बच्चों को रुचिकर लगे। 2 या 3, 1, 2 या 4, 1, 3 या 4 या 2 या 4, बताइए कौन सा सही है। क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप किनका ध्यान रखेंगे, बताइए। दोस्तों अगर प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो तीसरा ऑप्शन होगा ये कट कर दीजिए, बच्चों की रुचियों का ध्यान रखा जाए, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि विकल्प नंबर 2। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आपके ऑप्शन हैं दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न या निर्धारण मापनिया। तो दोस्तों मौखिक प्रश्नों की प्रश्न बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं का आकलन करने में सहायक होते हैं, ठीक है, जबकि अन्य से लिखने की क्षमता का आकलन होता है। तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं या विधि मितव्ययी नहीं है, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से ना करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर बात करें प्रेक्षण की सीमाओं की तो दोस्तों विकल्प सही होता है विकल्प नंबर 4, क्योंकि यह विधि मितव्ययी नहीं है, प्रेक्षण सूक्ष्मता से ना करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते हैं, आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। तो प्रेक्षण विधि की जो लिमिटेशंस हैं वो उपरोक्त सभी होते हैं। तो यहाँ पे विकल्प कौन सा सही होगा, 4। अगला प्रश्न, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। दोस्तों निरीक्षण विधि एक मनोवैज्ञानिक तथा बाल केंद्रित शिक्षा विधि है, ठीक है, जिसमें शिक्षक प्रशासक के रूप में भूमिका नहीं अपितु निरीक्षक के रूप में भूमिका निभाता है। दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर 3। और यहां पे थोड़ा सा संशोधन होगा, जो प्रशासक है इसकी जगह पे निरीक्षक होगा, जिसमें शिक्षक जो है निरीक्षक की भूमिका में होता है, प्रशासक की भूमिका में नहीं होता है, और यह बाल केंद्रित विधि है। तो इसको थोड़ा सा सही करेंगे, इसका विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर 3। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 45। दोस्तों संविधान का जो अनुच्छेद 48A है उसमें ये वर्णित है, ठीक है, और साथ ही साथ भाग कौन सा है, 4th भाग, जो जिसमें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आते हैं उसके अंतर्गत ये वर्णित किया गया है अनुच्छेद 48A में। तो विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प 2। आगे बढ़ेंगे, कथक किस क्षेत्र का राष्ट्रीय नृत्य है, उत्तर भारत, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? दोस्तों कथक जो है वो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। केरल में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य की अगर बात करें तो केरल का है कथकली, आंध्र का है कुचिपुड़ी और तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। याद रखिएगा इनमें से एक प्रश्न जरूर आएगा, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों 1। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, फायान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हैनसांग, हर्षवर्धन, इब्न बतूता, अकबर। दोस्तों इब्न बतूता अकबर के समय में नहीं आया था, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कब आया था, यहाँ पे आप मोहम्मद बिन तुगलक कर दीजिए
और इब्न बतूता कब आया था? सन 1333 ईस्वी में, याद रखिएगा 1333 ईस्वी में। जो सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं वो भी ध्यान देंगे। और 1342 ईस्वी तक ये भारत में रहा था, उसके बाद जो है दिल्ली के काजी के पद पर इसने कार्य किया था और इसने एक पुस्तक लिखी थी, इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, ठीक है, फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था और हेनसोंग हर्षवर्धन के समय आया था। दोस्तों इसका विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय या दार्जिलिंग? दोस्तों लद्दाख जो है ये ठंडा रेगिस्तान जाना जाता है। अब तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हो गए हैं, पहले जम्मू कश्मीर में ही आता था, अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है लद्दाख, तो ये ठंडा रेगिस्तान है। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? 2। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? आप सभी जानते हैं, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, जो जलोढ़ मिट्टी है इसका विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है और लगभग 22% है, याद रखिएगा 22% पर पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? मैनग्रोव, अल्पाइन, मानसून या सदाबहार वन? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अल्पाइन वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं, जबकि मैनग्रोव वन ज्वारीय तरंगों और उष्णकटिबंधीय झंझावातों के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर 2, अल्पाइन वन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा या रबर? दोस्तों अगर बात करें इन वस्तुओं की तो रबर जो है एक निम्न जैव निम्नकरणीय पदार्थ है, इसका अपघटन हो जाता है, जबकि प्लास्टिक, पॉलीथीन और पारा ये जैव निम्नकरणीय पदार्थ नहीं है। तो विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर 4, रबर। हरित गैसें, हरित ग्रह गैसें कहलाने वाली कौन सी गैस हैं? CO2, O2, NO2 या NH3, CFC, CO2, NH3 या N2, CH4, N2, CO2, NH3 या CFC, CO2, CH4 या NO2? दोस्तों अगर बात करें हरित ग्रह गैसों की तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, CO2 और CH4 और NO2, ये कौन सी हैं? ये हरित ग्रह गैसें हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर 4, और इन्हीं गैसों से पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ता है। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इतिहास में पहली दुर्घटना हुई 16 अगस्त 1945, 26 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 या 8 अगस्त 1945? बताइए दोस्तों, इतिहास की अगर पहली दुर्घटना की बात करें तो ये हुई थी 6 अगस्त 1945 को। इतिहास के स्टूडेंट होंगे तो जानते होंगे, लगभग सभी लोग जानते हैं कि जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था, और दूसरा कब गिराया था? नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 3। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा? बहुत ही कॉमन सेंस प्रश्न है, अधिक से अधिक वनारोपण वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक है। तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 1। आगे बढ़ेंगे, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है, वह भोजन के पाचन में सहायता करता है, उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय या क्षारी? तो दोस्तों मानव के पेट में जो आमाशय रस की प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है, और इसे क्या बोलते हैं? जठर रस भी बोलते हैं। अगर पीएच की मान की बात करें तो 1 से 3.5 के मध्य होता है या उच्च अम्लीय होता है। तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 3। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, एंटामीबा, रेट्रोवायरस या साल्मोनेला? तो दोस्तों मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के कारण, और इस रोग में रोग का वाहक जो होता है मच्छर होता है, और इस रोग में RBC नष्ट हो जाते हैं और रक्त में कमी आ जाती है, ठीक है। तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 1, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। निम्न में से कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता? आघात, वर्धनीयता, चालकता, घनत्व या भंगुरता? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों। भंगुरता का गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है, ठीक है।
तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर फोर। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इनमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। दोस्तों बरगद के पेड़ की जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं, ये शाखाओं से नीचे लटकी रहती हैं तथा खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर फोर, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, बरगद में जड़ें जमीन के भीतर भी पाई जाती हैं, तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर फोर। अगला प्रश्न, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन किस कारण बने होते हैं? उस जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति के कारण, परावर्तित प्रकाश के कारण, उनकी त्वचा पर बालों के कारण, बताइए। दोस्तों पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। ठीक है, जिसमें विशेष प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे चितकबरी हो गई या लाल पीली हो गई, कुछ इस तरीके से आकृतियाँ बनी होती हैं, ये जलवायु के कारण बनी होती है, तो इसका विकल्प सही होता है विकल्प नंबर वन। अगला प्रश्न, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी या डेमोलॉजी, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी के अंतर्गत, और यह एक जीव विज्ञान की शाखा है, तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर तीन। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन प्रचुरता है? दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस, किसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा है? दोस्तों दिए गए वर्गों में सोयाबीन, चना और मक्के वाले वर्ग में सर्वाधिक प्रोटीन आएगा, क्योंकि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? तो सोयाबीन में अगर प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो ये होती है 41%, 41% लगभग पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा जैव अपघट पदार्थ है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा या इनमें से कोई नहीं, बताइए। दोस्तों प्लास्टिक, पॉलीथीन तथा शीशा जैव अपघट पदार्थ नहीं है, अतः इनका अपघटन नहीं होता है, तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? फोर, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में सही सुमेलित कौन सा है, बताइए। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य उन्नाव, ओखला वन्य जीव अभयारण्य ललितपुर, सांडी वन्य जीव अभयारण्य हरदोई, महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य बस्ती। दोस्तों जो दिए गए वन्य जीव अभयारण्य हैं इनमें सांडी वन्य जीव अभयारण्य हरदोई में स्थित है। सांडी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? हरदोई में स्थित है। बखीरा कहाँ पर है? ये बस्ती में है, संत कबीर नगर में। ओखला वन्य जीव अभयारण्य गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में है, और महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य ललितपुर में है, तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर तीन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होगा? 25%, 30%, 50% या 10%? दोस्तों एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जब ऊर्जा जाती है तो उसका केवल 10% भाग ही स्थानांतरित होता है, और इसे 10% का नियम कहते हैं और लिंडमान का भी नियम कहते हैं, क्योंकि जीव विज्ञानी जो लिंडमान थे उन्होंने 1942 में इस नियम का प्रतिपादन किया था। विश्व ओजोन दिवस ट्रेंडिंग प्रश्न है, 21 मार्च, 16 सितंबर, 22 अप्रैल या 5 जून? दोस्तों विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, वो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। अगला प्रश्न, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? मैनग्रोव घास मैदान, झील, सागर, सागर, मैनग्रोव, झील, घास मैदान, सागर, झील, घास मैदान या मैनग्रोव, मैनग्रोव, सागर, घास मैदान या झील, बताइए। दोस्तों घटती उत्पादनशीलता का क्रम कौन सा हो सकता है? सागर, फिर मैनग्रोव, फिर झील, फिर घास का मैदान। सागर, मैनग्रोव, फिर झील, फिर घास का मैदान, यानी कि इसका विकल्प सही होता है विकल्प नंबर दो। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? बहुत बार पूछा गया है, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, 15 से 21, 1 जून से 7 जून या 15 से 21 जून? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर वन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपभोग करने में कम दक्ष होती हैं। जीवमंडली पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है।
जीव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कथन की तो जीव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर 2, जीवमंडल में पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड वाइल्ड फंड का प्रतीक लाल पांडा किस प्रजाति का है? बंदर प्रजाति, भालू प्रजाति, भेड़िया प्रजाति या पेंगुइन प्रजाति? दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड फंड का जो प्रतीक चिन्ह लाल पांडा है ये भालू प्रजाति का एक जानवर है। ठीक है, WWF की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1961 में, 1961 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दोस्तों ये एक गैर सरकारी संगठन है और इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। WWF, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पैडागोजी से संबंधित है। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। आगमन का, मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का या निगमन का, बताइए। दोस्तों पैडागोजी से संबंधित ये प्रश्न है, तो निश्चित रूप से अगर पर्यावरण अध्ययन विषय की बात हो तो मनोरंजक और खेल संबंधी होना चाहिए, जिससे जो बच्चे सीखें वो उसमें स्थिरता है, बच्चों के अधिगम में स्थिरता है। इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 2। अभी आगे और भी अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? विश्लेषण विधि, स्वतः शोध विधि, संश्लेषण विधि या आगमन विधि? तो निश्चित रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर हम किसमें जाते हैं? आगमन विधि में जाते हैं। तो इसका विकल्प सही होगा 4। आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? स्मरण रखना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता या सहयोग? दोस्तों पाठ्य जो विशिष्ट से सॉरी जो पर्यावरण अध्ययन की अगर बात करें तो संकेतक जो उपयुक्त तो नहीं होगा वो संकेतक स्मरण रखना, ये उपयुक्त तो नहीं होगा। बाकी जो तीन विकल्प हैं ये संकेतक का कार्य करेंगे। तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 1। आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चे की दिन प्रतिदिन जो भाषा है दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। दोस्तों पाठ्यपुस्तक की भाषा सरल एवं समझने योग्य होनी चाहिए। दोस्तों चौथा विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन, जो कि ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा जो प्रयुक्त भाषा हो बच्चे की दिन प्रतिदिन भाषा से संबद्ध भाषा होनी चाहिए। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर 3। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है पूरी तरीके से। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। यह विषय सीमाओं को नरम या सौम्य बनाने में, संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु पर आधारित उपागम को अपनाने में पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान किया जाना चाहिए जिसमें शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने में मदद मिले। तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 1। आगे बढ़ेंगे। हमारे शरीर के किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यकृत, वक्र, फेफड़े या हृदय? दोस्तों हमारे शरीर का जो अंग यकृत है ये अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है, यह भी याद रखिएगा, यकृत मानव की सबसे बड़ी ग्रंथ है। तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 1। निम्न में से कौन सी धातुएं चुंबक से आकर्षित होती हैं? लोहा, निकल, कोबाल्ट या ये सभी? दोस्तों निश्चित रूप से दी गई सभी धातुएं चुंबक से आकर्षित होती हैं, चाहे लोहा हो, चाहे निकल हो, चाहे कोबाल्ट हो। तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 4। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? कैल्शियम,
विटामिन के, कैल्शियम विटामिन ई, कैल्शियम विटामिन सी या कैल्शियम विटामिन डी। दोस्तों स्वस्थ अस्थियों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी आवश्यक है, तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 4। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को केवल लाल रंग से देखते हैं, हर रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफ़ेद देखते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं। दोस्तों रात में जागने वाले जानवर जो हैं हर चीज़ को केवल ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 3। आगे बढ़ेंगे, मरुस्थली पौधों की जड़ें मांसल होती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या होता है? मरुस्थली पौधों की यह विशेषता होती है, मरुस्थली पौधे विशाल होते हैं तथा उन्हें सहारा प्रदान करने के लिए जड़ें व तने मांसल युक्त होती हैं। खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने के कारण जड़ें मांसलदार होती हैं। दोस्तों मरुस्थली पौधों की जड़ें मांसल इसलिए होती हैं, इसका प्रमुख जो कारण है उनमें खाद्य पदार्थों का संग्रहण होना है, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर 3। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, सही सुमेलन वाला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंग सुमेलन का सही विकल्प है? दोस्तों अगर सही विकल्प की बात करें तो पीलिया किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। रेबीज, रेबीज से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। एड्स से प्रतिरक्षी तंत्र प्रभावित होता है और फाइलेरिया से लिम्फ ग्रंथ। ठीक है, यानी ए में कौन सा आएगा? 3। बी में कौन सा आएगा? 4। और सी में कौन सा आएगा? 1। सी में कौन सा आएगा? 2 आएगा, 2 आएगा, और 4 में 1 आएगा, यानी 3, 4, 2 है। तो इसमें कौन सा सही है? आप देख सकते हैं पहला ही प्रश्न सही है। आगे बढ़ेंगे, माइक्रोमीटर के पार्टिकुलेट मैटर किसके लिए अधिक हानिकारक होते हैं? वृद्ध और महिलाओं के लिए, राष्ट्रीय पार्क के लिए, बॉटनिकल पार्क के लिए, ऐतिहासिक भवन के लिए। दोस्तों माइक्रोमीटर के पार्टिकुलेट मैटर वृद्धों और महिलाओं के लिए अधिक हानिकारक होते हैं, तो इसका विकल्प सही होता है विकल्प नंबर 1। CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन का स्रोत क्या है? मोटर वाहन, रेफ्रिजरेटर, वायुयान, ताप बिजली संयंत्र। दोस्तों CFC गैस जो निकलती है वो सबसे ज़्यादा निकलती है इसमें से रेफ्रिजरेटर में, और ये ओजोन मंडल को क्षति पहुँचाती है, तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 2। आगे बढ़ेंगे, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है इंफ्रारेड से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, एक्स किरणों से, गामा किरणों से। दोस्तों ओजोन किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट रेस से, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? पारंपरिक फसलों को उगाया जाना, धान और गन्ने को उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जाना। दोस्तों भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए दिए गए उपायों में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण करना होगा, इससे भूजल स्तर के स्तर में वृद्धि होगी, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गाँव में प्रारंभ किया गया? रेड़ी गाँव, मानमती, थिरपाक या हाट गाँव। दोस्तों चिपको आंदोलन की जनक जो थी गौरा देवी, इन्होंने इसका जो प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड के रेड़ी गांव में हुआ था, याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया, और यह उत्तराखंड के चमोली ज़िले में पड़ता है, और उसकी शुरुआत कब हुई थी? इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1972 में। सुंदरलाल बहुगुड़ा थे, चांडी प्रसाद भट्ट थे और गौरा देवी ये प्रमुख नेता थे। आगे बढ़ेंगे, फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई? चीन, जापान, रूस या दक्षिण कोरिया। दोस्तों फुकुशिमा परमाणु आपदा हुई थी 11 मार्च 2011 को, कहाँ हुई थी? जापान में हुई थी, और इसमें भयंकर सुनामी आई थी। ठीक है, क्योंकि जो फुकुशिमा परमाणु संयंत्र जो था वो क्षतिग्रस्त हो गया था जिससे रेडियो एक्टिव पदार्थ का रिसाव हुआ था। ठीक है, तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 2। EBS संक्षेपण का अर्थ हो क्या है? एनवायरमेंटल स्किल, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोर्सेज या एनवायरमेंटल स्टडीज। दोस्तों EBS जो संक्षेपण है ये एनवायरमेंटल स्टडीज है। ठीक है,
एनवायरमेंटल स्टडीज या पर्यावरण अध्ययन, इनमें मानव तथा पर्यावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो उसका विकल्प सही होगा 4। हिरण, चीता, भालू, फीता क्रम का क्रमशः उचित क्रम है। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, परजीवी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, परजीवी या सर्वाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी या परजीवी। दोस्तों हिरण एक शाकाहारी जंतु है, चीता मांसाहारी तथा भालू सर्वाहारी जीव है, फीता क्रम एक परजीवी होता है, यह मनुष्य की आत में पाया जाता है। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा बताइए। हिरण एक शाकाहारी जंतु है, ठीक है, हिरण हो गया शाकाहारी, चीता चीता मांसाहारी हो गया, भालू कैसा हो गया सर्वाहारी हो गया, और फीता क्रम कैसा हो गया परजीवी। तो विकल्प 1 सही हो गया। यह भी प्रश्न स्क्रीन पर, जो आपकी स्क्रीन पर है, बहुत बार रिपीट होता है। असम का प्रसिद्ध एक सिंग वाला गैंडा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? मानस, काजीरंगा, गिर, कान्हा, किसली। दोस्तों जो काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य है, ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही साथ हाथी संरक्षित क्षेत्र भी है। तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न, भारत की जलवायु परिवर्तन नेशनल एक्शन प्लान फॉर ऑन क्लाइमेट चेंज यानी NAPCC प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? 2008 में, 2012 में, 2014 में या 2015 में? दोस्तों भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना 2008 में प्रकाशित हुई थी, ध्यान में रखिएगा 2008 में प्रकाशित हुई थी। साथ ही साथ इसमें जलवायु परिवर्तन के कारणों तथा उसके निवारण का उपाय का वर्णन किया गया था। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर 1। पारितंत्र की परिभाषा किसने दी थी? आर्थर टेंसले ने, रिटर ने, राय क्लैपहम ने, जान बारदीन ने? दोस्तों पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा दी गई थी आर्थर टेंसले के द्वारा, या आप ए टेंसले भी कह सकते हैं, और ये कब दी गई थी? 1935 में। आगे बढ़ेंगे, DDT क्या है? खरपतवार निवारक, जैव निम्नीकरण प्रदूषक, अजैव निम्नीकरण प्रदूषक या एंटीबायोटिक? तो दोस्तों DDT एक अजैव निम्नकरणी प्रदूषक है, और इसका पूरा जो नाम है वो डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो एथेन है, और ये एक प्रकार का कीटनाशक है, और इसका प्रयोग किया जाता है मच्छरों को मारने में, ये मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो विकल्प कौन सा सही होगा? 3। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र या प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों की जीवन क्षम, जनसंख्या का रखरखाव एवं प्राप्त के लिए प्रयुक्त है? कोड संरक्षण, स्वस्थानी संरक्षण, अपस्थानी संरक्षण या परिधि संरक्षण? दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र तथा प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उसके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों की जीवन क्षम, जनसंख्या का रखरखाव स्वस्थानी संरक्षण कहलाता है। तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 2। इसे इन सूटू भी कहते हैं, ठीक है, इन सूटू और एक्सीटू आप अगर पढ़े होंगे तो ध्यान में होगा आपके। तो स्वस्थानी संरक्षण इसका विकल्प नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें पर्वतों में हैं, विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट? दोस्तों जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो वह थाल घाट, भोरा घाट, पाल घाट जैसी सुरंगों को पार करता है, तो ये सुरंगें कहाँ पे हैं? पश्चिमी घाट में। तो उसका विकल्प सही होगा 3। आगे बढ़ेंगे, भारत में किस प्रकार के वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, मैंग्रोव या पर्वतीय वनस्पति? दोस्तों भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन सर्वाधिक क्षेत्र में फल में पाए जाते हैं, तो विकल्प कौन सा सही होगा? 1। दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर? दोस्तों ये होता है 22 दिसंबर, सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंबाजी मेला गुजरात, मांग मेला उत्तर प्रदेश, नैना देवी असम, वैष्णो बेड़ेश्वर मेला राजस्थान? दोस्तों नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है, तो ये विकल्प सुमेलित नहीं है। नैना देवी हिमाचल में, अंबाजी गुजरात में लगता है,
माघ उत्तर प्रदेश में और वेड़ेश्वर मेला राजस्थान में। तो ये कहाँ, यहाँ पे क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, अलबरूनी जिस देश से आया उसका क्या नाम था, उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश। तो अलबरूनी आया था उज्बेकिस्तान से, ठीक है। और उज्बेकिस्तान में खीमा एक जगह है, वहाँ का रहने वाला था, और किसके साथ आया था, महमूद गजनबी के साथ, और उसने एक पुस्तक लिखी थी तारीख़ हिंद, याद रखिएगा। तो इसका विकल्प सही होगा वन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, 12, 18, 20 या 22। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये सदस्य कहाँ से आते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता और खेल, या फिर विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाले होते हैं। तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर वन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। दोस्तों प्रश्न अनुसार शिक्षक विद्यार्थी की सृजनशीलता एवं उसकी समझ को जानने का प्रयास करता है, ठीक है। साथ ही साथ इसके द्वारा श्रेष्ठता का निर्णय नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर तीन, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या होती, सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास। तो दोस्तों छात्रों का विश्वास जो है ये शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर फोर। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, तो वह एक है सिद्धांत, कानून, खोज या मूल संकल्पना। दोस्तों परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से यदि गलत नहीं पाया जाएगा तो वह सिद्धांत का रूप ले लेगा। तो इसका विकल्प सही होता है विकल्प नंबर वन। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है, विचार गोष्ठी, सूत्रलेख, सूत्रलेख या दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी या कार्य योजना, व्याख्यान या सूत्रलेख, बताइए। दोस्तों विचार गोष्ठी और कार्य योजना शिक्षा के क्षेत्र में सबसे उपयुक्त विधि मानी गई है। तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर तीन, विचार गोष्ठी और कार्य योजना। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने एवं सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह बहुत सस्ता संसाधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, यह वास्तविक स्थितियों को सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन समुदाय से सीखने सिखाने की अगर बात करें तो यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। तो विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर फोर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। आप सभी जानते हैं बिहू जो है वो असम का लोक नृत्य है। आगे बढ़ेंगे, कौन सा यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था, मेगास्थनीज, फायान, ह्वेनसांग या बाराबोसा। तो दोस्तों ह्वेनसांग चीन का यात्री था और वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था हर्षवर्धन काल में, ठीक है, हर्षवर्धन के समय में आप कह सकते हैं ह्वेनसांग। कब आया था ये, 629 ईस्वी में, और उसने नालंदा में कई वर्षों तक अध्ययन किया। उसने हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से संबोधित भी किया था। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर तीन। किस राज्य के विधानमंडल में सर्वाधिक सदस्य उपस्थित होते हैं, क्योंकि वहां विधायकों की संख्या सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं, और साथ ही साथ अगर एक की बात करें तो एक एंग्लो इंडियन भी है, और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है, 100। तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों कूट पे बाद में चलेंगे कौन सा विकल्प सही है, पहले देख लेते हैं। तो बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड बेवार से संबंधित है। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया लद्दाख से। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील जो है रोका से संबंधित है। और उत्तर भारत में जो झूम कृषि होती है, तो झूम कृषि, तो कौन सा सही हो जाएगा विकल्प, देखते हैं। ए में कौन सा है, तीसरा। बी में कौन सा है, लद्दाख, यानी कि चौथा। फिर ब्राज़ील में कौन सा है, तीसरा, यानी ब्राज़ील में टू। तो 3, 4, 2, 1, तो कौन सा विकल्प सही होगा, 3, 4, 2, 1, तो विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर तीन। आगे बढ़ेंगे,
प्रश्न संख्या 125 पे आ रहे हैं। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियम या उत्तर पर खींची गई? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान या उत्तर रेखा। दोस्तों पृथ्वी तल पर 180 डिग्री मेरिडियम या उत्तर पर खींची गई काल्पनिक रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 1। आगे बढ़ेंगे। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है, सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है, चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है या उपरोक्त सभी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिन और रात होने का जो प्रमुख कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना है, तो इसका विकल्प सही होता है विकल्प नंबर 3। मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, ऋणात्मक, संज्ञानात्मक, धनात्मक। दोस्तों मानव पर्यावरण ऋणात्मक भी संकल्पना है, धनात्मक भी है, संज्ञानात्मक भी है, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर 4। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से गैसों में से कौन इसके अंतर्गत आती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या उपरोक्त सभी। दोस्तों यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं, ये वाहन से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड की उत्सर्जन सीमा को निर्धारित करते हैं, तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सा वायु प्रदूषण का मानक है? कवक, लाइकेन, शैवाल या जीवाणु। दोस्तों वायु प्रदूषण की अगर मानक की बात करें तो लाइकेन वायु प्रदूषण का मानक है, तो विकल्प कौन सा सही होगा? 2। अगला प्रश्न, भारत में आपदा निवारण से संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष आया? 2004, 2005, 2006 या 2007। तो दोस्तों आपदा के निवारण से संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था 2005 में, तो कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर 2। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, जीरोफाइट्स या एपीफाइट्स। दोस्तों रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जीरोफाइट कहलाते हैं, तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 3, क्योंकि पानी में उगने वाले पौधे हाइड्रोफाइट्स तथा खेती योग्य जमीन पर उगने वाले पौधे मेसोफाइट्स कहलाते हैं, इसका विकल्प सही होगा 3। आगे बढ़ेंगे। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है, आवासीय प्रदूषण, प्राकृतिक आवास, आवासीय विनाश, अत्यधिक दोहन या विदेशज प्रजातियों का समावेश, बताइए। दोस्तों प्राकृतिक आवासीय विनाश जो है जैव विविधता का ह्रास का मुख्य कारण है, तो विकल्प कौन सा सही होगा? 2। आगे बढ़ेंगे। अगला है, सही युग्मों को सुमेलित करना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पोषण स्तर 1, 2, 3, 4 कौन से होते हैं? तो दोस्तों पोषण स्तर 1 की बात करें तो इसमें कौन से आते हैं? उत्पादक आते हैं, यानी 4 नंबर उत्पादक। अगर पोषण द्वितीय की बात करें तो शाकभच्छी यानी शाकाहारी इसमें आते हैं द्वितीय स्तर में, तो दूसरे पोषण स्तर में शाकभच्छी हो जाएगा तीसरा। पोषण स्तर जो तीसरा है उसमें आते हैं मांसभच्छी यानी कि द्वितीय उपभोक्ता, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। और पोषण स्तर जो चौथा है उसमें हो जाएंगे तृतीय उपभोक्ता मांसभच्छी, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा 2। तो 4, 3, 1, 2, अब देखते हैं किसमें है, 4, 3, 1, 2 है तीसरे वाले में, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर 3। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? चीन, नॉर्वे, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका, बताइए। दोस्तों सर्वाधिक जो अम्लीय वर्षा होती है वो होती है नॉर्वे में, तो कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर 2। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, इलाहाबाद, करनाल या बंगलुरु। दोस्तों ये स्थित है बंगलुरु में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बंगलुरु में स्थित है, इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 4। आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र या वृक्ष मित्र। दोस्तों वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की तरफ से, तो कौन सा विकल्प सही होगा? 4। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, काजीरंगा या नीलगिरी। तो भारत में कुल 18 जीवमंडल रिजर्व हैं जिनमें नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, शिमलीपाल ये सब शामिल हैं, काजीरंगा शामिल नहीं है, ये एक सिंगोले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम में है, तो
उसका विकल्प सही होगा तीन। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्र कौन सा कहलाता है? बहुत बार मैंने ये बताया भी है, जीव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये है जीव भू रासायनिक चक्र, तो इसका विकल्प सही होगा वन। आगे बढ़ेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रमुख घटक हैं सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक या ये सभी। दोस्तों निश्चित रूप से अगर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटकों की बात करें तो सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक ये सारे सभी जो हैं ये प्रमुख घटक हैं, तो विकल्प सही होगा फोर। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया हैजा मियादी बुखार, मलेरिया है डेंगू हैजा, मलेरिया चिकनगुनिया मियादी बुखार। तो दोस्तों डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जो है ये फैलते हैं मच्छर के द्वारा और ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर वन, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी कौन सा हो सकता है? शकरखोरा, कलचड़ी, कौवा या फाख्ता, बताइए। दोस्तों ये हो सकता है कौवा, तो इसका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर तीन, पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। थ्री, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त बहना नहीं रुकता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। तो आप सभी जानते हैं विटामिन के जो है इसकी कमी से घाव से रक्त बहना नहीं रुकता है, तो विकल्प कौन सा सही होगा? फोर। आगे बढ़ेंगे, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मूल शीर्ष में, पराग कणों में, तने में या पराग कोष में, बताइए। दोस्तों ये होता है परागणों में, तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर दो। अगला प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, क्यों? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल हटाने के लिए, नमी को पूर्णता हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। दोस्तों कांच के जार तथा बोतलों में को उनके अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, क्योंकि जिससे अचार में उपस्थित नमी को कम किया जा सके, इससे अचार काफ़ी लंबे तक समय तक सुरक्षित रहे। तो कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर तीन। नेपेंथीज एक पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों, चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है, मतलब एक कीट भक्षी पौधा है। कहाँ पाया जाता है? असम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय में। दोस्तों नेपेंथीस एक ऐसा पौधा है जो छोटे जीवों को खा जाता है और यह मेघालय में पाया जाता है, इसे कीट भक्षी पौधा कहते हैं, तो विकल्प कौन सा सही होगा? फोर। आगे बढ़ेंगे, 146 प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? चार विकल्प हैं, विज्ञान के आधारभूत प्रत्यय सिद्धांतों को रटकर याद करना, पर्यावरण के खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संबंधशीलता विकसित करना। तो दोस्तों ये जो तीन विकल्प हैं ये निश्चित रूप से पर्यावरण अध्ययन के लिए सहायक हैं, जो रटकर याद करने की बात है ये सहायक नहीं है, तो विकल्प कौन सा सही होगा? वन। आगे बढ़ेंगे, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना किसका प्रमुख उद्देश्य है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावात्मक क्षेत्र का, मनोकारात्मक क्षेत्र का या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता की अगर बात करें, इसके मूल्यांकन की बात करें, तो भावात्मक क्षेत्र जो है निश्चित रूप से अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना भावनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा दो। आगे बढ़ेंगे, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? अध्यापक द्वारा श्याम पट पर मानचित्र बनाना तथा विद्यार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताने को कहना, विद्यार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से बाहर मानचित्र लेकर आएं, या फिर विद्यार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, विद्यार्थियों की सहायता करना, वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो दोस्तों निश्चित रूप से अगर बात करें प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण की, तो सबसे उपयुक्त तो अगर विधि प्रयुक्त होती है तो ये चौथे नंबर की है, विद्यार्थियों की सहायता करना, वे अपने संकेतों का उपयोग करते हुए निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की
सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। अगला प्रश्न, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरणों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र या पाठ्य पुस्तक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पैडागोजी से संबंधित है। दोस्तों निश्चित रूप से ईंधन का संरक्षण के लिए अगर आप संसाधन की बात करेंगे तो समाचार पत्र जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा, तो इसका विकल्प होगा विकल्प नंबर 3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, इस मैराथन क्लास का ये लास्ट वीडियो है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है मैराथन क्लास का तो इसको दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो सकें। प्रश्नों का चुनाव उन्हीं प्रश्नों का चुनाव किया गया है जो वास्तव में बहुत जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? पहली और दूसरी कक्षा, तीसरी से पाँचवीं कक्षा, छठी से आठवीं कक्षा या नौवीं से दसवीं कक्षा? दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000 जो है उसके अनुसार कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन को एक अलग विषय के रूप में रखा गया है। इसका विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर 2। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी तो निश्चित रूप से आपका जो 1 लाइक होगा वो मुझे रेनफोर्समेंट देगा, पुनर्बलन देगा, जिससे जो है आपको मनोविज्ञान और आगे चल करके हिंदी के भी मैराथन वीडियो मिल जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।